उस जगह पर जहां संस्थान को पार्टी को बड़ा माना जाता है, व्यक्ति विशेष जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है, रामकृपाल सिंह क्या ओवर डिपेंडेंस हो गई है मोदी पर और हिंदुत्व के प्लैंक पर, यही चिंता जाहिर कर रहा है आरएसएस? नहीं संदीप जी, देखिए जो नाइजर में जो भी चल रहा है और जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही है, और किसी भी पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इवन कॉरपोरेट में भी ये चीज हमेशा एक बात कही जाती है। मैं इतने सालों से रहा हूं, राहुल जी भी रहे हैं, मुझे एक बात आज जो ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं ऑर्गेनाइजर के अगर संपादकीय को निचोड़ कहना चाहूं तो वो ये सिंपल एक चीज है कि स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर शुड नॉट बिकम द वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कॉर्पोरेट का फार्मूला हमेशा रहा है, लीडरशिप की क्वालिटी ये होती है कि वो पर्दे के अपने टॉप पर जब पहुंचे तो पर्दे के पीछे चला जाए और अपने जैसा डाउन द लाइन इतने विकल्प तैयार कर दे कि उसकी लीडरशिप की स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं पड़े ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के लिए। ये बात मोदी जी भी खुद कहते रहे हैं और कई बार उन्होंने ये बात कहा है कि भाई जाओ, और सीधी सीधी एक बात है, हम लोग भी जो एक बार बार बात कही जाती है कि सिर्फ हिंदुत्व के नाते जीतते आ रहे हैं फलाना के नाते, देखिए ईमानदारी की बात यह है इस देश में कोई सिर्फ हिंदुत्व या फलाना के नाते या जाति के नाते कभी नहीं जीता है, न राज्य का इलेक्शन न केंद्र का इलेक्शन। एक जो सॉफ्ट सोशलिज्म जो किसी जमाने में मार्क्सिस्टों का और इंदिरा गांधी का एक तरह से कॉपीराइट हुआ करता था, उसको एक राइट विंग के टॉप लीडर ने इस तरह से ले लिया, इंप्लीमेंट कर दिया बिना किसी नारे के। और आप लोग जो कहते हैं कि लाभार्थी वर्ग नहीं, देखिए किसी एक स्टेट के रिजल्ट को देख करके पूरा जर्नलाइज कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी आज मोदी जी का कोई पसीना नहीं मार रहा है, मोदी जी के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जमीन पर, मैं गांव में आप जाइए कहीं भी आप जाइए, हाईवे हूं दिस एंड दैट, तो वो किसी को भी आम पब्लिक को जो होती है जो एक निरक्षर से लेकर के एक साक्षर तक अगर कहीं होता है तो उसको जमीन पर कुछ काम होता दिखाई पड़ता है। और ये जो मैं बार बार कहता हूं कि रिफॉर्मिज्म एंड सोशलिज्म गो टूगेदर, कांग्रेस ने कर्नाटक में इस बात को जान लिया कि हमें एक लाभार्थी वर्ग पैदा करना है, और तब जो ये 2000 रुपए पर मंथ की जो सारी स्कीमें हुई वहां पे, ये देखिए, तो मैं ये कहता हूं कि मोदी जी यही कह रहे हैं कि अगर वो एक आर्किटेक्ट की तरह है वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर राज्य में जैसा अशोक जी ने कहा राज्य सरकारें अगर उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करेंगी, यही आप देखिए उत्तर प्रदेश में और असम में आप देखिए ना कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन आप कर्नाटक कहेंगे तो बिल्कुल सही है, और ये पहले से ही, ऐसा नहीं कि इलेक्शन में आया, इलेक्शन के पहले ही पता था कि बीजेपी वहां बहुत कमजोर निकट पर है। बीजेपी क्या रामकृपाल सिंह, क्या बीजेपी जरूरत से ज्यादा टॉप हैवी हो गई है कि दो लोग आला कमान कल्चर हाई कमान कल्चर जो कांग्रेस के साथ जोड़कर देखा जाता था अब वो दरअसल बीजेपी की एक बड़ी बीमारी बन गई है, और जब ये कहा जाए सांसदों से विधायकों से आप अपना काम कीजिए, उनकी वक्त ही नहीं रह गई है, उनकी पूछ ही नहीं रह गई है, जनता में भी है कि जी मोदी के चलते ये जीत रहे हैं बाकी तो हम नाम भी नहीं जानते, ये भी एक कड़वी हकीकत हो गई है क्या बीजेपी की? देखिए बिल्कुल सही है, किसी भी पार्टी के लिए शुरुआत कांग्रेस से हुई। मैं बताऊं आपको, कांग्रेस के कई बड़े नेता मुझसे व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश में ऐसे कहते थे कि भाई हम तो हैं देश की मजबूरी, जब सारे प्रयोग फेल हो जाएंगे तो जनता हमारे पास आएगी कि चलिए साहब आपके बिना काम नहीं चल रहा है। यह भ्रम था कांग्रेस को कि हम जो है वो ऐसे अल्टरनेट हैं कि ऐसा तो चल नहीं पाएंगे, और अल्टीमेटली देश जो है वो कांग्रेस को के पास आएगा, जनता खुद आएगी कि चलिए आप सत्ता संभालिए। बीजेपी को भी यही, जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो व्यक्ति केंद्रित, जब आप ये मान लेते हैं कि सारी ताकत या सारा सब कुछ जो है मोदी गिनाते हैं, अरे मोदी इज मॉर्टल, पार्टी चलेगी 200 साल तक, तो ये जो चीज होती है कि देखिए मैं फिर कह रहा हूं
कि नेतृत्व की जो स्ट्रेंथ है वो पार्टी की वीकनेस बन जाए, इससे ज्यादा खतरनाक चीज कुछ नहीं होती पार्टी के लिए। और आज बीजेपी में यह चीज है कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे भाई मोदी है तो मुमकिन है कितने दिन का? सवाल आप मोदी के लिए नहीं है, सवाल अगर जनसंघ से लेकर के बीजेपी तक है, और अगर आप मान रहे हैं बीजेपी को अगले 100 साल चलना है तो आपको मोदी को भूलना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर का जो है वो सीधे सीधे ही बात कर रहा है कि संगठन बड़ा है। आप आगे की बात सोचिए, किसी व्यक्ति को जैसे होता है ना कि एक एंकर के नाते अगर चैनल चल गया तो आप तय जानिए उस चैनल का कभी भट्टा भी बैठ जाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी नीतियों, अपने संगठन, अपनी पॉलिसी पर नहीं चलेंगे